मामा क्या नाम था माता जी? मनीषा। माता जी 8 महीने गर्भवती की जान लेना ये छोटी बात है? नहीं, उसको बता, शिकायत में बताया गंडा सी मारी है उसको। हाँ मारिए बाबू, यहाँ बात तो मारे तो नहीं हो गए, सत्य बात तो मामा तो दोनों बहन और वो छोरा थे लगी रही है 2 बजे तक जी। सही बात नहीं है जो हम क्या रात को 2 बजे तक क्या कर रहे थे? लड़ाई लड़ी है दोनों बहनों ने। दोनों बहनों ने क्या गुड़िया जी ने किया था यही बता। दोनों बहन लड़ाई करी थी बेटे के साथ। शादी 2 की और कितने 2 बहन थी सगी? हाँ। ये छोटी थी बड़ी है जो एक्सपायर हुई है? ये बड़ी थी। छोटी बहन कहाँ? अभी नंदगांव में। मतलब यहाँ दाह संस्कार करवा के वो उसको लेगी अपनी को छोटी को। ये छोटी यही थी जब मारा उसको? छुटवा नहीं बहन ने छोटी ने। नमस्कार जी, मैं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों मेरा हाजिर राम राम। मैं फिलहाल गांव गुनवाना पहुंचा हूं। यहां बताया गया है कि एक आदमी ने अपनी गर्भवती 7 से 8 महीने की महिला की गंडासी से वार किया और उसकी जान ले ली, जबकि छोटी बहन उसकी मौजूदगी में दोनों बहन एक ही गांव में शादी की थी, नंदगांव गांव की लड़की थी वो। और यहाँ बताया गया है दोनों बहन मौजूद थी और यहाँ घर में कौन मिलता है कौन नहीं पता करते हैं। अभी बताया गया है मनीषा मृतक जो उनकी सांस है उसे दो चार बात करेंगे और आपके सामने रखेंगे। माता जी राम राम। क्या नाम माता जी आपका? ये जो आरोप लगे आपके बेटे के ऊपर, बेटे ने ही बहू की जान ले ली, ठीक कह रहे हैं ये? क्या बहू गर्भवती थी जो मारी गई है? ना ना, कई महीने का बच्चा था? 8 महीने की बहू की उसी बेटे ने हत्या कर दी जिसकी बहू थी। तो उसको बता, शिकायत में बताया गंडा सी मारी है उसको? हाँ मारी है बाबू, यह बात तो मारे तो नहीं हो गए, है सत्य बात तो। क्यों मारी माता जी है? मैं तो आंखों ना गई बाबू जी, मैं तो आते नहीं आता हूँ ना, बेटा मेरा तो यहाँ। बेटा बेटा क्या काम करता है आपका? बेटा बस बेंदारी करता है। नशा वशा करता है कोई? ना ना, कछुआ बना भी बेटा ना बाबू जी। 8 महीने गर्भवती थी, क्या क्या मारा उसको? 8 15 तारीख। हाँ मतलब 7-8 महीने गर्भवती थी। शादी को कितना समय हुआ था? 10 महीना आएगा जी। दोनों की एक साथ हुई थी मनीषा के? दोनों भैया जी जी। माता जी जो डिलीवरी केस था मनीषा जो एक्सपायर हुई है, हाँ। वो बच्चा क्या रहा फिर उसका? वो बच्चा कातर में है, सही है बतबर। बच्चा हॉस्पिटल में है? हाँ सही है। क्या चोट लगी हुई का बच्चा, ये नॉर्मल हुआ या उठाया गया ऑपरेशन? ऑपरेशन थे वो सतना तो अपने आप कैसे जाते। 7 महीने का टाइम से पहले माँ खतरे में थी, हमारे बच्चे को उठाया गया है। हाँ माँ खतरा में, तो वो जो कह रहे मतलब कि यह बच्चा को ऑपरेशन करके बच्चा निकाल के तो जी बच सके। डॉक्टरों ने ये बोला है कि इस बच्चे को निकाल देंगे तो शायद माँ बच सकती है। बच सकती है, लेकिन वो काम हो गया ना कि बच्चे को बचा लिया अगर माँ नहीं बची। माँ नहीं बची, माँ नहीं जी। 7 महीने बच्चा निकाल लिया? 7 महीना को आटे में चल रहे, 2 चादरें ली होंगे आटे में। उस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है जो 7 महीने का ही गर्भ में से ही टाइम भी पूरा माँ नहीं दे पाई, ऐसा अनहोनी माँ के साथ हुई है? और जो बच्चा गर्भ में पूरा समय ले सका, जख्मी होगी माँ, चोट लगी, समय से पहले उसने जन्म लेना पड़ा, जन्म लेना और फिर माँ का दूध नसीब नहीं हुआ और माँ भी नहीं बच सकी। माँ भी इधर क्या लिखा के लाए कोई पता नहीं बाबू, ये तो हमारे वो है बच्चों के तो दुखी है देख ले है बच्चा ने क्या बिगाड़ो परमात्मा को। हाँ कई दिन रही हॉस्पिटल में? 6 दिन तक तड़पिए मतलब। अच्छा क्यों मारी क्यों उन्हें बाबू जी? ये को तो ना मालूम कोई कछु नहीं है, हम सब दुनिया जो कह रही बात है नंदगांव में।
मतलब यहाँ दाह संस्कार करवा के उसको ले गए अपनी को छोटी को। ये छोटी यही थी जब मारा उसको छुटवा नहीं बैठने छोटी ने बचाव नहीं किया बता ना उसको भी चोट आई है क्या क्या लगा उसको छोटी बहन के जो बड़ी को वार किया है उसी हथियार से छोटी को मारा है उसको कम है लेकिन माता जी 8 महीने गर्भवती की जान लेना ये छोटी बात है नहीं छोटी बात नहीं बाबू छोटी बात नहीं है बेटा जा हम भी जाने जी जी सब जाने या बात है तो बेटा जी जाने जी जी पर यो के तुम जाने या बात है देख बात नहीं है पर जो आवे घरी टाइम आवे तुम जाने या बात है तो आज समय खराब हो कोई बस किसी बस की बात नहीं है लेकिन एक वजह तो होती ना झगड़े की ये झगड़ा होया क्यों किस बात के ऊपर क्यों इतना बड़ा हमला करा तो सब कोई पे हो है क्या मानसिक रूप से वो कहते ना दिमाग की बीमारी ऐसी थी इसमें कोई हाँ बाबा क्या नाम था माता जी मनीषा और छोटी वाली बहू भी चली गई आज आपका क्या रह गया दोनों बहू गई बेटा गया इस माता जी ने क्या बिगाड़ा जो ये सजा काटनी पड़ रही आज इसको बहू भी गई और बेटा भी गया सब गयो कुछ नहीं गयो बेटी गई जो बेटी हमारी बाकी कई बेटी हमारी समझो तुम अब कि ना की समझो काम बस्ती के सबको साथ और एक रहे देखो सगम आज हम बड़े बूढ़े कोई बहन बेटी हो तुम में साथ हो बिल्कुल है ना तो बहुत काम तो खराब ही गलत ही होते ही है पर न्यू नहीं पता ये भगवान छोटी बहन ने ज्ञान करे बता आज उन्होंने देखा बताओ देगी ना वो हाँ उन्हें ज्ञान करे वो बताए हो और ये ले हुए जो भगवान ने मार दिया जो भगवती मारी है ले गए थे पत्थर का तेल हो रही छोटे भी गर्भवती है और बड़ी भी देखो दुख तो आपका भी कम नहीं माता जी और लड़के पक्ष का भी नहीं जिसकी गर्भवती बेटी मारी जाएगी किसको दर्द नहीं आएगा अच्छा अच्छा अब बेटे से बात होती है आपकी ना बाबूजी कोई बात ना मुझ में लो ना बेटा ना बाबू क्या दोनों बेटे दोनों बहू इसी मकान में रहते थे ये मकान ये मकान यहीं रहे हैं आपको बेटे कितने हैं माता जी चार हैं बेटा बाबूजी चार उसी में रहते हैं दो इसी में तो लग मारो कर दो दोनों को ते जिन्याने जे दो में जाओ रे और पर कुआवार दो होनी ना माने टरे ना होनी ते गुड़गाम आवे छोरे दोनों क्या काम करता है भाई बेलदारी मेरा ऐसा भी क्या था वो 8 महीने गर्भवती हो क्या गुनाह कर देगी माता जी एक जच्चा का तो माँ का रूप होता है ना परे न्यू सुने भैया काम बस्ती में थी हम तो सुनना है और एक बुढ़िया ये भी है हम तो सही के यू भी है जो बात हो जो सुने बता मत वो दोनों बहन और वो छोरा आते लगी रही 2 बजे तक जी सही बात नहीं मैं जो हम क्या लग, क्या लग, रात को 2 बजे तक क्या कर रहे थे लड़ाई लड़ी है दोनों बहनों ने अच्छा बुढ़िया जी ने किया था यही बता दोनों बहन लड़ाई करी थी बेटे के साथ बहुत देवदानी छोरा तो तुम देखोगे ये सोच
वो तगड़ी थी। तगड़ी भाव। एक्सपायर हुई है जो। हाँ तगड़ी भाव। भाव बढ़िया ही। तगड़ी खूब लंबी ठाड़ी। वो छोरा भी कुल बात तुम देखा होगा एक रह पड़े मारे और तुम दबा दे। और उसी ने जान ले ली फिर। उसी ने जान ले ली देख ली। तो वो बता मत ये बुढ़िया के आप ये बुढ़िया सो रही है रात पूरा सुनने सुसर पर फोन करो है। अब वो चल से चल भैया कह चुके हो हमें तो जाने ना जा बात है चाहू की है ना बस सुसर पर फोन करो कहिए छोरा ने। तो छोरा ने बता दो भैया पापा कि मुझे दोनों लड़ रही हैं मैं यूँ कह रही हूँ जाते तुम दोनों पल्ले कबर सो जा। बस सुसर यूँ कही कही भैया तुम काहे लड़ रही है छोरी हो मेहमान ये बात नहीं हो पता वो कह रहा हूँ भाई ये मेहमान सुसर जी जी वहाँ ने कही लाली तुम पल्ले कबर में सो जा तुम ये मेहमान थे काहे वो लड़ रही है पता मत वहाँ ने कही ते मामा आ रहा है पल्ले तो एकदम बतावे वो और आज किसी बात की पुष्टि मीडिया की नहीं है तमाम बातें परिवार का बताना है आप लोग इसमें अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना और उस बहन मनीषा के लिए ओम शांति का कमेंट जरूर डालना और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद सत्यमेव जयते।